नमस्कार दोस्तों, आज मैं होली स्पेशल बच्चों की मिठाई की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, गुलगुला। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको मेरी ये गुलगुला की रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ हम गुलगुला बनाने के लिए ले लेते हैं चीनी। दोस्तों आप जितना, अगर आप 100 ग्राम चीनी लेते हैं ना, तो आपको 300 ग्राम आटा लगेगा, तब जाके आपका मीडियम मीठा बनके तैयार होगा। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हो तो ज़्यादा चीनी डाल सकते हैं। तो यहीं पर मैं डाल देती हूँ पानी, और पानी और चीनी को अच्छे से ना एक शरबत बनाकर रेडी करेंगे। और यहीं पर दोस्तों मैं आटा डाल देती हूँ, आप चाहे तो मैदा का भी बना सकते हैं। तो ये जो आटा है ना, थोड़ा सा आपको लाल दिखेगा, क्योंकि हम ना ये आटा अपने घर पर रेडी करती हूँ। कम से कम 6-7 तरह का अनाज मिला करके मैं इसको रेडी करती हूँ, जैसे ज्वारी हो गया, बाजरी हो गया, नाचनी हो गया, जौ हो गया, चना, सोयाबीन का दाल, गेहूँ, इतने सारे अनाज मिला करके मैं ये आटा को रेडी करती हूँ। इसका मैं कितना और कितना मात्रा में, कितना अनाज को कितना कितना मात्रा में ये आटा मिलाना है और रेडी करना है, इसका मैं एक प्रॉपर वीडियो बना करके अपने यूट्यूब चैनल पर डाली हूँ, मल्टीग्रेन आटा करके, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो इस तरीक़े से हम क्या करेंगे ना, इसको मिला लेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मिलाएँगे ताकि गुजटी नहीं पड़े, मतलब अच्छे से स्मूथ मिश्रण तैयार करेंगे इस तरीक़ा का। और यहीं पर देख लेंगे कि अच्छा से हुआ है कि नहीं, बहुत अच्छा ये तैयार हो गया है। तो अब इसको हम ना 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देती हूँ, और बहुत कम समय के लिए रेस्ट पर रखी हूँ इसलिए मुझे यहाँ पे इनो डालना पड़ेगा। अगर आप इनो नहीं डालना चाहते हैं तो कम से कम आप 1 घंटा से 1.5 घंटा के लिए रेस्ट पर आप रखिएगा, तो आपको इनो डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पर झटपट बना रही हूँ, तो इसको मैं इनो डाल करके इसको मिला देती हूँ। और मिलाने के बाद चलते हैं दोस्तों, आप गुलगुला बना लेते हैं। अच्छे से फेटे इसको, और कढ़ाई में रख दिए तेल। तेल अभी हमारा गरम नहीं हुआ है, मीडियम तेल ही गरम करेंगे, ज़्यादा हाई नहीं करेंगे, और आंच को रखेंगे मीडियम फ्लेम पर। तो ये देखिए दोस्तों, जिस तरीक़े से हम अदौरी बनाते हैं ना तिलौरी, ठीक उसी तरीक़े से एक एक करके, छोटा बड़ा जितना साइज आपको पसंद है उस हिसाब से आप गिराते जाइए। ये हमारे यूपी, झारखंड, बिहार का बहुत ही फेमस खाना है, और उधर ना ये होली में बनता ही बनता है, और पुआ भी बनता है। पुआ का रेसिपी बना करके मैं अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दी हूँ, आप जाकर देख सकते हैं। अभी मैं बच्चों की मिठाई होली स्पेशल बना रही हूँ गुलगुला, क्योंकि गोल गोल होने के कारण ना बच्चे लोग बहुत पसंद करते हैं इसको, और मीठा होने के कारण, और बहुत ही सॉफ्ट लगता है खाने में, सही में बहुत अच्छा लगता है। तो इसको हम अलट पलट के इसको हम बना लेते हैं। मीडियम आंच पर ही बनाएंगे दोस्तों, ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं करेंगे, नहीं तो ऊपर ऊपर लाल हो जाएगा, अंदर से कच्चा रह जाएगा। जब बच्चे लोग रोते हैं ना, तो हम लोग गुलगुला ही बना कर दे देते हैं। हम लोग ये चिप्स, कुरकुरे, मिठाई वगैरह ये सब ज़्यादा नहीं देते हैं। ये गुलगुला हो गया, चौथा, चौथा का भी रेसिपी मैं बना करके अपने चैनल पर डाली हूँ, वो जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों ये ना 2 से 3 दिन तक स्टोर करके खा सकते हैं, ये ख़राब होने वाली चीज़ है नहीं। और जिन बच्चों का ना अभी दांत निकलता है ना, उनके लिए ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बहुत सॉफ्ट होता है ना, तो इजीली वो काट काट के खा लेते हैं। वैसे तो सभी के लिए पसंद है, लेकिन बच्चे लोग ज़्यादा मीठा और गोल गोल होने के कारण बहुत ही पसंद करते हैं। तो ये वाला हो गया है। होली में ना बहुत वैरायटीज खाना बनता है ना, पुआ हो गया, गुलगुला हो गया, कुछ नमकीन हो गया, अच्छा लगता है, जो जैसा रहता है उसको दीजिए खाने के लिए। बच्चे हैं तो बच्चे के हिसाब से, बड़े हैं तो बड़े के हिसाब से, अपने अपने हिसाब से। तो दोस्तों आप भी, आपके तरफ होली में क्या चीज़ बनता है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना, गोल गोल गुलगुला, मतलब ये रस भरी गुलगुला। और ये देखिए कितना सॉफ्ट है, सिर्फ नाम का भी गुलगुला नहीं है, इसका काम भी गुलगुला वाला है। देखिए कितना सॉफ्ट है, स्पॉन्जी है, लग रहा है ना कि स्पॉन्ज वाला रसगुल्ला है ये, है ना। केवल इसके अंदर रस ही नहीं गुला है, नहीं तो अंदर से बहुत ही स्पॉन्ज है ये। तो दोस्तों आप भी इस होली में गुलगुला बनाइए, खाइए और एंजॉय करिए। दोस्तों मैं मम्मी का हाथ का बना गुलगुला खा लूं, थोड़ा गर्म है ना, गर्म है लेकिन टेस्टी है। अगर आपको गुलगुले का रेसिपी अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय।